वेलकम टू न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि बहुत लेट चालू किया हूँ मैं अपना व्लॉग, इसलिए और क्या, कुछ स्पेशल तो करना पड़ेगा ना। तो स्पेशल से करने के लिए नहीं, बट कल रात से ही मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं वैक्सीन लगवा लूँ। तो आज मैंने पेटीएम में जाकर अपना वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक कर दिया है और आज डाइटिंग नहीं करूँगा क्योंकि वैक्सीन लगाऊंगा तो खाना वाना अच्छे से खाना होगा, भूखे नहीं रह सकता मैं, तो खाऊंगा भी और वैक्सीन भी लगवाऊंगा और खुशी खुशी आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे हम वैक्सीन को लगवा कर भी हेल्दी रहते हैं और आप भी मोटिवेटेड होंगे और आप भी वैक्सीन लगवाएंगे। तो चलो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत क्या, दोपहर तो हो ही चुकी है लेकिन हम फिर भी अभी शुरुआत करें क्योंकि हम नहाने जा रहे हैं। गाइस फटाफट मैं नहा लिया हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज अपना वैक्सीन लगवाने के लिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मजा आने वाला है, मतलब कि मेरे को एकदम डिफरेंट फील हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है यार वैक्सीन, मतलब लोगों को लगता है डर ये वो, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तब जाऊँ फटाक से वैक्सीन लगाऊँ, यार अपग्रेड मारूँ अपने आप को। तो अभी जो मेरे दिमाग में डाउट चल रहा है वो सुन के आप लोग बहुत चौंक जाओगे। तो बात ऐसी है कि मैंने ना ऐसे अपने एस्ट्रोलॉजर का एक पेज है अरुण कुमार व्यास बोल के इंस्टाग्राम में, तो उसमें देखा था, तो उसमें उसने मुझे लिख के उसने लिखा है कि सैजिटेरियस जो है उसको अभी रेड और ब्लैक कलर को अवॉइड करना है और लकी कलर में आते हैं येलो और इंडिगो। तो अब येलो कलर के एक टी शर्ट है मेरे पास, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि मैं वो वाला कलर का टी शर्ट पहनूं, बट अनफॉर्चुनेटली वो ब्लैक कलर का है या तो फिर वो रेड कलर का है, तो हम पहन ही नहीं सक रहे हैं। और फिर एक पंडित ने मेरे को बहुत पहले बोला था कि तुम ग्रीन कलर तो अवॉइड करो, वो बिल्कुल नहीं। तो मेरे पास ग्रीन, रेड और ब्लैक यही तीन कलर है, अब क्या करें हम। तो अब सोच रहे हैं, सोचो वैक्सीन लगवाने जा रहा हूँ, मेरे मन में टेंशन चल रहा है कि मैं क्या कपड़ा पहनूं। तो समझ सकते हो आप लोग कि कितना मजे आने वाला आज के व्लॉग में। तो मेरे साथ देखिए आज का व्लॉग, वैक्सीनेशन मीन, और आपका भी डर मिट जाएगा और आप भी बकाबक सुई लगवा लेंगे। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पहन लिया है पिंक वाला टी शर्ट टू बी सेफ, और मेरे पास यही वाला ही अच्छा टी शर्ट बचा था, बाकी सब टी शर्ट या तो धुल रहा है या तो फिर अंदर टंगा हुआ है जो मेरे को कलर की वजह से नहीं पहन सकता। तो अब मैंने चूज कर लिया है पिंक कलर और इसके पीछे देखिए कितना गजब पिंक बना हुआ है, देखे कि नहीं देखे, ये देखो। अरे हेला, आज तेरा भाई वैक्सीन लगाने जा रहा है, वैक्सीन। तो गाइस अभी अपन खा रहे हैं चिकन और राइस ताकि अच्छे से हमारे अंदर एनर्जी रहे और हम मस्त से वहां जाके वैक्सीन लगवा के भी तंदुरुस्त रहें। अभी मैं शाइन का वेट कर रहा हूँ, वो अभी निकलता ही होगा, टाइम हो रहा है 2:10 और मैंने अपना जीन्स उतार के चेंज कर लिया, मैं ये पहना हुआ, अब एक शॉर्ट्स पहन के जाऊंगा क्योंकि बहुत गर्मी है बाहर और मैं नहीं चाहता कि इस गर्मी की वजह से मेरे को हेडेक हो जाए, जिसका वजह से मैं ये सोचने लगूं कि वैक्सीन की वजह से हेडेक हुआ, तो मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं गर्मी के हिसाब से ड्रेसअप कर लिया हूँ। गर्मी पूरी, देखो देखो कितना धूप है, बाप रे। मैं जा रहा हूँ वैक्सीन लगाने, शाइन नीचे आ गया है, बाय एला, आता हूँ घर थोड़ी देर में, सैनिटाइजर ले लो और ना तो नारियल पानी भी रखो। तो गाइस हम लोग चल पड़े हैं वैक्सीन लगवाने, चाप 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 चाप। अभी हम लोग जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, हम लोग सबको आशीर्वाद दे दीजिए। हमने वैक्सीन के लिए आशीर्वाद भी ले लिया। गाइस वी आर हियर सूर्य हॉस्पिटल, अब हम फटाफट से वैक्सीन लगवाने पहुंचते हैं। चलो भाई चलो चल रहे। तो गाइस अभी हम लोग सूर्य हॉस्पिटल आ गए हैं, तो हम लोग को एक फॉर्म मिला गया है, ये फॉर्म हमको भरना है, तो इसमें आप सारे डिटेल्स भरते हैं और आते हैं। ये देखो ये फॉर्म है, इस फॉर्म को सबको भरना पड़ेगा हमको और फिर हम आते हैं वापस। तो गाइस हम लोग फॉर्म भर लिए हैं और मेरा टोकन नंबर है 512 और हम लोग जा रहे हैं आज वैक्सीन पिंक। अरे हम लोग अभी नोटिस किए गए, हम लोग दोनों पिंक पहने और हम लोग दोनों के मैं से गुलाब बने, तो कहीं हम लोग कोई गे कपल ना समझे। अभी देख देखो इतना लाइन लगा हुआ है, प्राइड मंथ, हम लोग प्राइड मंथ चल रहे हैं से। इवन सूर्य इज पिंक, वहां जाके हम फोटो भी खिंचवाएंगे ऐसे करके। वैक्सीनेशन यहाँ पे फोटो खिंचाना, आके अपने को वापस यहाँ आके फोटो खिंचाएंगे।
यहाँ पे चल रहा है अपना स्टेप टू, फॉर्म एंड रसीद। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कैश निकालने, क्योंकि नीचे ओनली कैश एक्सेप्ट कर रहे हैं इन लोग। अभी अपन जा रहे हैं कैश निकले हैं अभी बाहर एटीएम से पैसा निकालने के लिए, लेकिन हम लोगों ने अंदर देखा कि भाई डब्बे भर भर के कैश। गूगल पे पेटीएम एटीएम कुछ नहीं ले रहे, ओनली कैश, ओनली रोकड़ा बोलिंग यू विद यार। जान बचाने के लिए चाहिए रोकड़ा। हम यहाँ पे ही फॉर्म भर लेते हैं, आके क्या फर्क पड़ता है, क्या मस्त ठंडा लग रहा है एकदम मस्त। यहाँ पे फॉर्म रख देते हैं, पैसा निकालते हैं, और मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि आपको पिन वगैरह दिखाऊंगा। चलो भाई, सारे फ्रिज के अंदर लगता है वैक्सीन पड़ा हुआ है, अभी अपन वेट कर रहे हैं, डर भैया कर रहे हैं। तो गाइस हम लोग आ गए अभी इधर, यहाँ पर हम लोग घुसेंगे, उससे पहले हम लोग ये फॉर्म लेके यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। तो हम यहाँ बैठते हैं और वेट करते हैं, फिर जाएंगे अंदर सुई लगवाएंगे। बैठो बैठो, वी आर वेरी एक्साइटेड। तो दैट इज द रूम जहाँ पे हमको घुसना होगा अंदर। तो आप देखो कैसे निकल रहे सुई लगा लगा के। कोविशील्ड अभी एक डर चल रहा है बहुत कि प्राइवेट सेक्टर में पानी घुसा दे रहे हैं। पानी घुसे बस हम लोग वही डर है कि हमको भाई कोविशील्ड लगा दो, पानी पी लेंगे हम। अच्छा मेरे को आप यहाँ लगाओगे? उसको भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। लेफ्ट हैंड में, राइट को नहीं? आप राइट हैंडेड हो? हाँ। हे भगवान, नहीं लेना है सर। गाइस वैक्सीन लगवा ली हम लोग और एकदम पता ही नहीं चला, मास्क लगा लेते, एकदम पता ही नहीं चला, एकदम सुई के जैसे घुसाया, खत्म भी कर दिया। हम वेट कर रहे थे कुछ अच्छा होने का या रिकॉर्ड करने का, लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि अंदर अलाउड नहीं था। बट वी आर नाउ वैक्सीनेटेड, डोज वन कंप्लीट, एकदम कूल लग रहा है। उन्होंने बोला है कि अगर बुखार आता है तो डोलो 650 लेने का और आराम से, ज़्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं लेने का, समझे? फीलिंग वैक्सीनेटेड, फीलिंग वैक्सीनेटेड, फीलिंग जैब्ड एक्चुअली। चलो ये बाहर हम लोग करेंगे क्योंकि ऑडियो नहीं आ रहा है। गाइस हम लोग अभी बैठे हुए वेट कर रहे हैं, हमारा नाम जब कॉल आउट करेगा तब हम जाके वहाँ पे रजिस्टर में साइन करेंगे, आपको दिखा देता हूँ। हाँ अभी ना एक ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है कि जो भी लोग अभी वैक्सीन लगा के निकल रहे हैं, सबको ऐसे हाथ को ऐसे पकड़ के निकल रहे जैसे उनको गोली लग गई। देखा तो आप नंबर आ गया है। तो गाइस हम लोग हो गए हैं वैक्सीनेटेड एंड इधर से चल रहे ना, तो शाइन और मैंने दोनों ने वैक्सीनेशन करा लिया है, एकदम मजा आ गया, चंगा हो गए हैं, नो प्रॉब्लम हो। कैसा महसूस हो रहा है? हम लोग ऑलमोस्ट एक से डेढ़ घंटा हो गया अभी तक, अभी लगता है वैक्सीन फ्लो हो रहा है मेरे बॉडी में, अभी ऊपर पहुंच रहा है। शाइन को थोड़ा सा पेट दर्द दे रहे क्योंकि इसको भूख लग रहा है तो अभी हम लोग सोचे कि अब हम जाके गन्ना रस पिएंगे, क्योंकि आज हमारा मोटिव है अच्छे से हाइड्रेट होना है हमको, एकदम अच्छे से हाइड्रेशन करेंगे, उसके बाद हमको अच्छे फ्रूट्स वगैरह खाने हैं और अच्छे से खाना खाना है, जो मन में आया। हमारा मन कर रहा है नेचुरल से आइसक्रीम खाने का, तो हम वो भी खाएंगे। तो बहुत फटाफट हो गया यार, वैक्सीन लगाने का जो टाइम था ना वो फट से हो गया, बट उसके बाद सर्टिफिकेट के आने तक का वेटिंग टाइम जो है वो हमको बैठे रहना पड़ा, इसलिए कंपनी लेके जाना अपने साथ वरना तुम बोर हो जाओगे। बट इट वॉज ईजी प्रोसेस एंड वी आर नाउ वैक्सीनेटेड एंड वी आर नाउ अपडेटेड। हम तो आए थे यहाँ पे सूर्या हॉस्पिटल में और अब हम निकल रहे हैं बाहर इस दुनिया को फेस करने के लिए। चलो ऑटो कर लेते हैं। करेंगे यूज़? हाँ हाँ। वीडियो स्कूल है तो हम जा रहे हैं अभी आनंद स्टॉल वड़ा पाव खाने। वड़ा पाव इज लव, बॉम्बे में रहते हो वड़ा पाव खाना चाहिए। क्यों गलत बोला था? तो चलो आज हम खाएंगे शेजवान वड़ा पाव। ये तो शेजवान वड़ा पाव। मेरा दो शेजवान वड़ा पाव। अभी
तो गाइस हमने ले लिया है शेजवान वड़ा पाव। ओ मेरा तो चीट डे चल रहा है ना अभी, वैक्सीन जब तक है तब तक हम चीट डे, तो वी कैन डू चीट डेज। अभी हम लोग पी रहे हैं मौसमी जूस। अभी हम लोग पी रहे हैं मौसमी जूस जो कि अपने आप को रखना है हम लोग को हाइड्रेटेड। दैट्स हाउ वी आर डूइंग पोस्ट वैक्सीनेशन। शाइन उतर गया है और हमने ले लिया दो मास्क और उसके अलावा मैंने ले लिया है डोलो 650 मेडिकल से। तो अगर रात को बुखार आता है तो मैं बुखार बैक होम। अब घर जाके फटाफट रेस्ट चालू करना है। वैक्सीन लगाने के बाद मेरे को 2 घंटे हो गए हैं और आप जाके मेरे को मेरे कंधे में टेटनेस जैसे दर्द हो रहा है, जो होता है ना हल्का सा की सुई लगा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये हाथ को मैं ऐसे ही नीचे रख के रखा हुआ हूँ क्योंकि ये वाला हाथ जरा सा भी ऐसे उठा रहा हूँ ना तो मेरे को एक पिंच जैसा फील हो रहा है। बट ऐसा नहीं कि आप नहीं उठा सकते, बट मैं जानबूझ के इसको कम ही यूज कर रहा हूँ ताकि इसको पूरा रेस्ट मिले क्योंकि ये हाथ ने गोली ली है। तो अभी क्या है 3 बजे हम लोग गए थे और अराउंड 3:15, 3:20, 3:30 के आसपास तक हमको लग गया था वैक्सीन। उसके बाद हमको आधा घंटा के आसपास वहां बैठना पड़ा। फिर उन लोग के पास जब हम वापस गए तो हमारा वो नाम कॉल आउट करते हैं, फिर हम उनके पास जाते हैं और फिर वो हमको रसीद दे देते हैं हमारा वापस, और साथ में हमारे मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है जिसमें हमारा सर्टिफिकेट आ जाता है जो कि कोविन ऐप की तरफ से ही आता है और इन लोग की तरफ से भी आता है। जब तक मैसेज नहीं आता आप लोग मत जाना, वहीं पर रुक जाना। तो वैक्सीन का मैसेज आ जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, मेरे को भी मिल गया है कि आई एम वैक्सीनेटेड, तो अब मैं टेंशन फ्री हो सकता हूँ। तो फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले और हम लोग थोड़ा पेट पूजा किए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेटेड रहना है ताकि कुछ हो ना। तो जैसे अभी मैं तो विथ टाइम ही बता रहा हूँ मेरे को कैसा फील हो रहा है, तो अभी जस्ट मेरे को मेरे कंधे पे वो फीलिंग आ रही है कि हाँ थोड़ा सा हमारा कुछ लगा है वैक्सीन जैसा चीज। और साथ ही में मैंने अपने लिए फ्रूट्स ले आए हैं, तो मैंने केला ले आया है अपने लिए, मैंने पपीता ले आया है, मैंने ड्रैगन फ्रूट ले आया है। ये ड्रैगन फ्रूट है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोविड के टाइम में भी हम लोग बहुत खाए थे और अभी भी खाना चाहिए। तो ये ड्रैगन फ्रूट मैं खाऊंगा अभी क्योंकि इसमें बहुत इम्यूनिटी होता है। तो ऐसे अपने चम्मच से स्कूप आउट करते हैं तो ऐसे निकल जाता है, तो आप इसको ऐसे पूरा स्कूप आउट कर लेना ऐसे बीच से काट के, और फिर कुछ नहीं अभी इसको ऐसे ही खा लो जैसा अभी आपको खाना। सही गॉट दैट सुपर थिंग। तो खाना चाहिए भैया, ड्रैगन फ्रूट खाने से ना बहुत इम्यूनिटी आता है, कीवी जैसी होता है, इसमें ना बहुत सारे ऐसे छोटा छोटा सीड्स रहते हैं, एकदम गीला होता है, कब से खा जाओ मस्त रहता है। मैंने अभी अभी अपना फ्रूट खत्म कंप्लीट कर लिया है और अब 6:20 हो रहा है टाइम। मेरा बॉडी एकदम धीरे धीरे ना लूज होते जा रहा है, मेरा मन कर रहा है बस जाके मैं ऐसे लेट जाऊँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है बस सोने का। मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे एला के लिए कुछ ऐसा खीरा वीरा काट के उसको पिंजरे में दे देना चाहिए, उसके बाद अपना बेड पे जाके चेंज वेंज करके लेट जाना चाहिए। सो बिफोर आई गो टू बेड मैं ये पानी भर ले रहा हूँ इसमें 1 लीटर, और इसमें मैं इलेक्ट्रोल मिला के रख दूंगा और दूसरा जो बॉटल है मेरा उसमें मैं पानी भर देता हूँ नॉर्मल, और ये दे देते अपन एला मैडम को। क्या बाबू वैक्सीन लगा के आए अपन, समझी ना, ऐसे वैसे नहीं है, अपन वैक्सीनेटेड है। चल पीछे जा ले खाब अच्छे से। तो देखो ये जो बॉटल है इसमें मैंने इलेक्ट्रोल मिला दिया है, वहां पे जो बॉटल पड़ा उसमें पानी है। हम थोड़ा कंफर्टेबल कपड़ा पहन के लेटेंगे और टीवी में कुछ ना कुछ देखते हुए अपना रिलैक्स टाइम बिताएंगे क्योंकि आज हमें देना है बॉडी को रेस्ट। तो अगर आपको नहीं चाहिए फीवर, नहीं चाहिए बॉडी पेन, तो बॉडी को रेस्ट दे दो ना बाबा, रिचार्ज करते रहो ना। मेरे को तो ऐसा फीलिंग आ रहा है ना कि ऐसा लग रहा है हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर। अगर मैं एकदम लो फील करूंगा जैसे मैं बाहर सोफा में बैठ के सोच रहा था लेजी, तो मेरे को लेजीनेस आ रहा था। मैं इलेक्ट्रोल पिया, मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे ये प्लांट्स दिख रहे हैं, मेरे को मेरा तरबूज दिख रहा है, यहाँ से पूरा मस्त मौसम दिख रहा है, तो मैं यहाँ से लेटे लेटे भी अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स दे सकता हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, माइंड गेम है। कोविड होता है तो भी माइंड गेम है, वैक्सीन लगाओगे तो भी माइंड गेम है। तो कुछ न्यूज व्यूज देखो मत, मेरे को तो कितना टाइम हो गया मैं न्यूज ही नहीं देख रहा हूँ। आज ऑटो में मैं बैठा था तो मेरे को पता चला कि अब से आज से 2 बजे तक लॉकडाउन कर दिया, दुकान 2 बजे बंद होना, पहले 4 बजे तक था। बताओ नाउ गेटिंग बैक टू दैट कि इतना एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ थोड़ा देर सोऊंगा, तो मिलते हैं बाद में। हेलो, आपको क्या लगा शारास हो गया तो बेचारा एकदम वो हो गया होगा ड्राउजी एकदम। एक्चुअल में अगर सच बताया जाए तो अभी की सिचुएशन हम बताते हैं। तो अभी का सिचुएशन ऐसा है गाइस कि मैं जब सो रहा था
तो सोते सोते ना मैं सोचे जा रहा था कि कैसा लग रहा है मेरे को ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैं एक बार के लिए सोचा कि सारे थॉट्स को एक साइड रखो, एक्चुअल में क्या लग रहा है उसको फील करो। तो एक्चुअल में अभी मैं जो अगर फील कर रहा हूँ वो ये है कि नॉर्मली है सब कुछ, बस हल्का सा मेरे को ऐसे जैसे अपने को बुखार में हल्का ठंडा नहीं लगता मौसम, जो हमको एकदम लगता है कि हाँ यार थोड़ा सा ठंडा है, थोड़ा सा ऐसे रजाई के अंदर कोजी होके लेट जाते हैं, तो वैसा वाला लग रहा है। तो वो इट्स नॉट बैड या इट्स नॉट स्केरी, तो एकदम अच्छे से पॉजिटिवली आप इसको ले सकते हो कि भाई क्या है इतनी सी तो है। तो ये वाला जो बुखार है हम यूजुअली बिना दवाई के भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो अब मैं देखूंगा कि रात तक कितना टेम्परेचर होता है, रात को मैं एक बार टेम्परेचर लेके देखूंगा, अगर 100 के ऊपर रहेगा तो मैं एक डोलो खाऊंगा और सो जाऊंगा। वो बहुत मस्त नींद आया है, मस्त चली, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कोई नशा उशा करके सोया हूँ मैं, तो एकदम मस्त नींद आ रहा। तो अभी मैं उठा हूँ, मेरे को भूख तो नहीं लग रही है, मैं सोच रहा हूँ चाय बना के पी लेता हूँ। चाय पी सकते हैं क्या? रुको गूगल कर। गाइस अपनी अदरक वाली चाय हो गई है रेडी। अदरक वाली चाय मैं इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि अदरक बहुत जरूरी है हमारे बॉडी के लिए और बहुत अच्छा लगता है जब हम चाय पीते हैं। तो जो भी चीज अच्छी लगती है वो चीज करना चाहिए, स्पेशली वैक्सीन लगाने के बाद। तो अभी का अपडेट ये है गाइस कि मेरे को एकदम बढ़िया लग रहा है, मेरे को काफी अच्छा फील हो रहा है। और अपना ख्याल रखते रहोगे ना तो आपको कहीं ध्यान जाएगा नहीं। अभी तो मुझे इतने इनफैक्ट इन सबसे बेस्ट लग के पता है, वैक्सीन लगाओ अच्छे से, जो मन कर रहा है आपको खाओ पियो, जूस वूस पियो 3-4 टाइप का, अच्छे से फ्रूट वूट खाओ और फिर आके ना सो जाओ, चाहे शाम हो रहा है दोपहर हो रहा है, और एकदम कंफर्टेबली बिना डिस्टर्बेंस के सो, फिर खुशी से उठो, जो अच्छा लग रहा है करो, फिर अच्छे से खाओ, जो मन कर रहा है खाओ, फिर सो जाओ, तो आपको कुछ नहीं होगा और आपका ये ध्यान कहीं जाएगा नहीं और आपको मस्त से बीत जाएगा जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। तो डरने का नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, आप देख ही रहे हो लाइव, मैं वैक्सीन लगवा के आया हूँ, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। तो अभी दे चाय, मैं तो खाऊंगा चाय के साथ बिस्किट। तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 11, मैंने अभी तक डिनर नहीं किया क्योंकि मैं जो चाय ब्रेड चाय बिस्किट खाया था उससे मेरा पेट काफी भर गया, और साथ ही साथ मैं बीच बीच में ना इलेक्ट्रॉल पीते जा रहा हूँ जो मैंने रखा था, चाहे मन हो ना हो इलेक्ट्रॉल पीते जाओ ताकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स जो भी चाहिए वो मिलते रहे और एनर्जी रहे, आपको वो वीकनेस वाला वीकनेस ना फील हो। तो वो मेरा चलते जा रहा है। अब मेरे को जब भूख लगेगा थोड़ी देर बाद अराउंड 11:30 के आसपास, तो मैं जाऊंगा पनीर की सब्जी बनी हुई है और रोटी बनी हुई है वो खाऊंगा, और उसके बाद डोलो खा के सो जाऊंगा अगर मुझे टेम्परेचर आता है तो, बट मुझे अभी तक टेम्परेचर नहीं आया एंड आई एम वेरी श्योर कि मुझे रात तक नहीं आएगा। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करता हूं दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिए, बढ़िया रहिए, वैक्सीन भी लगवा लीजिए भैया, कुछ नहीं होगा, टेंशन नॉट, ओनली बी पॉजिटिव फॉर टेकिंग वैक्सीन। बाय बाय।